नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे और ये नेक डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान होगा और बनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा और हमारा ये सिंपल सोबर सा नेक डिज़ाइन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने बुकरम का पीस लिया हुआ है जिसकी लंबाई हमने 16 इंच ली है और चौड़ाई हमारी 9 इंच है। इसे ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे ऊपर के साइड। हमारी ब्रॉडनेस है 6 इंच, उसका आधा करने के बाद 3 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और डीपनेस हमारी होगी 6 इंच। यहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगाया है और इसी प्रकार से हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे और इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पर पान आकार में शेप देंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ से नीचे के साइड 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अपने नेक से नीचे हमने 9 इंच पर निशान लगाया है और बहुत ही हल्का हल्का सा एक पॉइंट का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर भी हम कटिंग करेंगे और ये निशान लगा देने के बाद इसके बाहर के साइड हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन सभी निशानों को ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही 5 शेप में यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अपने मैचिंग कपड़े पर रखकर चिपका लेंगे। और ये हमने अपने नेक को कपड़े पर चिपका लिया है। अब हम इसके ऊपर एंकर चलाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एंकर धागा है जो मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसे हमने नीचे फिरकी में भर लिया है और नीचे की साइड से अपनी डब्बी का ये जो पैंच है हमारा, ये हल्का सा हम लूज़ करेंगे। इस प्रकार से हमने लूज़ कर लिया है और यहाँ पर अपनी फिरकी को अच्छी तरीके से यहाँ लगाकर नीचे की साइड लगाएंगे। और ऊपर की साइड हमने सेम कलर का धागा लिया हुआ है, वाइट कलर। और अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये देखिए, बीच से इस कोने पर और इधर भी इस कोने पर। अब हम यहाँ से यहाँ सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ, और इसी प्रकार से हम ऊपर तक सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। और ये देखिए, नेक के हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर। और अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच पर सिलाई लगानी है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये हमारा नीचे एंकर आ गया है जो हमने कुर्ती के सेम कलर के धागे से तैयार किया है। और ये देखिए, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग रही है। और इसी प्रकार से हमें अपने पूरे नेक में
यहाँ पर सभी सिलाई लगा लेनी है। और ये हमने अपने पूरे नेक में एंकर धागा लगा लिया है इस प्रकार से। ये देखिए बड़ी ही फिनिशिंग के साथ हमारा एंकर धागा लग गया है। अब हम इसे इस प्रकार से बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो सिलाई लगाकर इसे कच्ची सिलाई लगाकर फोल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे प्रेस से भी जमा सकते हैं। गोलाई में ऐसे कट लगाएंगे दोनों तरफ और अब हम इसे चारों तरफ से मोड़ देंगे। ये हमने बाहर के कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो अटैच हमें उल्टी साइड करना है ताकि पलटने के बाद ये सीधी तरफ आ जाए। पहले सेंटर में कट लगाएंगे और फिर इसे सेंटर में रख लेंगे। ऐसे और अब हम बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे अपने पूरे नेक में। और अब हम अंदर के कपड़े की कटिंग करेंगे। थोड़ा कपड़ा छोड़कर हमें कटिंग कर देनी है। ऐसे गोलाई में कट लगा देना है सिलाई तक। और अब हम इसे सीधी तरफ पलट देंगे। और ये हमने अपने नेक को पलट लिया है। और ये हमने एक पतली डोरी बनाई हुई है जो हम 2 इंच पर कट करेंगे। और ये देखिए हमारी डोरी तैयार है। इनकी हम कुंडी बनाएंगे इस प्रकार से जो हमने ओरेव कपड़े से तैयार की हुई है। अब हम यहाँ पर कन्नी कन्नी पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ से अपनी डोरी लगाना शुरू करेंगे आधा आधा इंच की दूरी पर। अब हम अपनी डोरी को यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच बाहर करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और फिर आधा आधा इंच की दूरी पर हम नीचे तक कुंडी लगा देंगे। ये हमने अपनी एक साइड कुंडी लगा दी है और दूसरी साइड हम सेम कलर का कपड़ा लगाएंगे। और ये हमने एक पट्टी इस प्रकार से बनाई है यहाँ पर। ये देखिए डबल फोल्ड की हुई है। अब इसे हम इसके नीचे ऐसे रखेंगे और आधा इंच बाहर निकालेंगे। और इसके ऊपर भी इसी प्रकार से सिलाई लगाएंगे। कुंडी हमें पीछे की साइड कर देनी है।
और हमारी जहाँ तक कुंडी है उसके बिल्कुल आमने सामने हमें ये कपड़ा तैयार कर लेना है। इसके आगे ये आधे से पौना इंच हमें बाहर निकालना है। और अब हम अपने नेक के बाहर की साइड सिलाई लगाएंगे। ये हमारा खुला भाग है, ये बंद हो जाएगा। और ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम अपने इस खुले हुए भाग को बंद करेंगे। आप चाहे तो इसे खुला भी रख सकते हैं और आप चाहे तो आधे पर भी सिलाई लगा सकते हैं। ये हम यहाँ पर रखेंगे और नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे। और ये हमने अपना नीचे का भाग बंद कर दिया है और यहाँ पर कुंडियों में कुछ मोती भी लगा दिए हैं और इसी के साथ हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।